मैं बेटी का सहयोग विद्या के साथ काकड़ है हरियाणा में आपका धन्यवाद करने के लिए देख सकते हो भाई भिवानी का विकास आपको सबक नजर आ रहा है। कैसे पानी वाला पानी से थोड़ी सी बारिश आई है, थोड़ी सी बारिश में बुरा हाल हो गया है। देखो पूरी सड़कें तालाब का रूप ले चुकी हैं और उस तरफ मैं कहूँगा कैमरा मैन ने दिखाया, हमारे चेयरमैन की कैंडिडेट है डॉक्टर शालीन जी, वो भी फंसी खड़ी हैं पानी के उस पार हैं। हम बुला रहे थे लेकिन पानी बीच में आ नहीं सकते। तो ये विकास है भिवानी का, ये आप देख सकते हैं, ये भिवानी का विकास है। थोड़ी सी बारिश आती ही लबालब सड़के तालाब कारों के लेती हैं। आप देख सकते हो कितना पानी जैसे तालाब में किश्तियाँ करती हैं, इस तरह आपको नज़र आ रहा है नज़ारा। दोनों तरफ आप देख सकते हो, आप ये देखिए पानी से लबालब दोनों तरफ देख सकते हैं। भरी में लोगों को बड़ी भारी समस्या होती है लेकिन आप बताओ आराम से आराम से धीरे धीरे। हाँ क्या नाम है आगे हो हमारा होगी। तो आज तो गर्मी से निजात मिलेगी, बारिश अच्छी होगी। हाँ जी अच्छी बहुत बढ़िया। तो तालाब से गुजर के कैसा लगता है? बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। देखो पानी ये दबाव है, नदी में आप देख सकते हो तालाब का रूप ले चुके हैं, बहुत खराब और भी साथियाँ हैं। नमस्कार नमस्कार, क्या नाम है? नितिन नाम है जी। नितिन जी क्या नाम है भाई? बलजीत जी। तो कैसा लग रहा है आज तालाब का रूप ले चुके हैं? खराब है जी, बहुत खराब है। एक काम हो रहा है क्या है? देखो नाली भर रहे हैं, मीडिया भी चालान काट रहे हैं, चालान काटने के लिए भाई भिवानी में कोई विकास नहीं है, उजाड़ है। भाई ने लबालब सड़के, लबालब सड़के पानी की पूरी सब लोग परेशान हैं। वो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा जितना रुपये भिवानी मालिया कड़े लग गया, वो पकड़े जा रहे हैं, इस तरह सिस्टम हो रहा है कड़े। ये देखिए नाले खराब हो रहा है सारा, ये कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं। हम तो उजाड़ मरा हूँ आज, वो मतलब घूमू है। तो अब चेयरमैन का चुनाव आ चुका है, तो कैसा कैंडिडेट का होगी? हम तो कैंडिडेट का होंगे, वोट जमा होगी नहीं विश्वास उठ गया। आपने देखा नहीं भिवानी में क्या हाल चल रही है? देखा विकास नहीं है, हम जैसा विकास है आप सबको दिखाई दे रहा है। जैसे सड़कें लबालब भरी हुई हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपया हजम कर चुके हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। बाकी यहाँ अच्छे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? दिनेश कुमार गौड़ जी। कैसे हो? ठीक हो? तालाब मांग गुजरती है, बड़े आने ना रहे होंगे? ना ना बहुत बुरा हाल हो रहा है। बहुत बुरा हाल है। हाँ जी बहुत सारी शेर समझ रही है, अपना भाषा भी हानि सारी गड़बड़ लेता नहीं था सब क्यों बताओ। बहुत बुरी हालत है, आनंद नहीं आ रहा। हाँ जी खड्डा में पड़े चुपड़े बच्चा हूँ, देखो अच्छा कितने तरह पानी जा चुकी। देखो देख लो जी क्या हाल है बच्ची है जी मेरी। अच्छा जी तो भाई बारिश में गड्ढे भी दिखाई नहीं देती है, मतलब गड्ढे दिखाई नहीं देंगे तो भाई चोट तो लग रही स्वाभाविक है, क्योंकि गड्ढे पानी के कारण गड्ढे दिखाई नहीं देते, और गड्ढे जब दिखाई नहीं देंगे तो भाई चोट तो लगेंगे स्वाभाविक बात है। और आप देख सकते हो कैसा पूरा हाल है बीमारी का। बने रही है हमारे साथ, मैं सहयोगिता के साथ कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। बीमारी
का जो अभी चेयरमैन का चुनाव है, चेयरमैन कैसा पसंद है, क्या ऐसा ही चेयरमैन पसंद है जो ये भिवाड़ी की सड़कों को तालाब को का रूप देने का काम कर रहे हैं? हल्की सी बारिश से ही भिवानी का हो जाता है बुरा हाल। बारिश से सड़कें हो जाती हैं लबालब, झील का रूप ले लेती हैं भिवानी की सड़कें। जब बारिश आती है तो भिवानी का बुरा हाल हो जाता है। भिवानी की सड़कें पानी से लबालब भर जाती हैं और आप देख सकते हैं झील का रूप ले चुकी हैं सड़कें। ये जो एरिया आप जो देख रहे हैं, ये रोहतक गेट से बावड़ी गेट के बीच का एरिया है। सड़कें पानी से लबालब हैं, आप देख सकते हैं। सड़क के दोनों ओर पानी जमा है, पानी से होकर ही वाहनों को गुजरना पड़ता है। देखिए पैदल राहगीर भी पानी से होकर गुजर रहे हैं। गंदगी का आलम बढ़ जाता है और लोगों को इसी गंदगी से होकर गुजरना पड़ता है। हुड्डा पार्क के सामने का भी नज़ारा आप देख सकते हैं कि हुड्डा पार्क के सामने का नज़ारा कैसा है। हुड्डा पार्क के सामने भी पानी भरा हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही है।